हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम IRCTC के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रीट का ये मोस्ट फेवरेट शेयर्स में से एक रहा है। IPO प्राइस से लगभग 20 गुने के आसपास के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए थे। फ्रेंड्स, ये मोनोपोली बिजनेस है, बहुत फेवरेट रहा है स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का। और पर स्टॉक ने लगभग पिछले 15 से 18 महीने में यहां पर 45% के आसपास की करेक्शन तो दिखाई है। इसके अलावा स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस स्टॉक में क्या फ्यूचर आउटलुक बन रहा है, फंडामेंटली स्टॉक कहां स्टैंड करता है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से करेक्शन स्टॉक में आ रही है, और अब क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस माय इन्वेस्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये स्टॉक लगभग अपने हाई से 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। एक टाइम पे 3000 रुपये से लेके 6500-6600 का इसने नॉन स्टॉप मूव दिया था। वहां पे 1:5 जो है स्प्लिट हुआ था शेयर। एडजस्टेड लेवल पे देखे तो 600 रुपये का CMP है, 1100 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। लगातार डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है पिछले 1.5 साल से। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से IRCTC में करेक्शन आ रही है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, IRCTC इटसेल्फ जब ये IPO आया था तो यहाँ पर एनालिस्ट का बड़ा कन्विक्शन था। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो रेलवे में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद भी उस तरह का मूव IRCTC के शेयर में नहीं आया है। और अभी तो हम देखेंगे कि मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जो Q3 के रिजल्ट्स के बाद आई हैं उसको भी पढ़ा है, कोई कमेंट्री जो है कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं है। और यहाँ पर मैंने कॉन कॉल भी इनकी पूरी सुनी थी, काफ़ी कंसर्न्स हैं डिटेल में। चलो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। 3 सेगमेंट से मेजॉरिटी रिवेन्यू आता है, 4 सेगमेंट मान लीजिए, वैसे कंपनी 5 सेगमेंट बताती है, कैटरिंग, टिकटिंग और रेल नीर। मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू कैटरिंग और टिकटिंग से आता है, इनका इक्वल रिवेन्यू के आसपास है। पर एबिट लेवल पर देखेंगे तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टिकटिंग है। रेल नीर इनका बिजनेस है, जो ये बॉटल जो है वाटर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा टूरिज्म का बिजनेस काफी बड़ा है, जो कोविड के बाद काफी हल्ट हुआ है। चारों पांचों बिजनेस में टूरिज्म का बिजनेस ही ऐसा है जो प्री कोविड लेवल पर अभी नहीं आया है। स्टेट तीर्थ का एक बिजनेस है जिसमें ये तीर्थ यात्रा वगैरह कराते हैं स्टेट्स के साथ मिलके। इसके अलावा टिकटिंग में इनका सिर्फ रेल टिकट्स नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए एयर टिकट्स, बस टिकट्स वगैरह भी बुक करते हैं। चलो डिटेल में आप समझिए क्या रीजंस हैं IRCTC के शेयर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा मैं बाइफरकेशन सेगमेंट वाइज दिखाता हूं आपको उसके रिवेन्यू का Q3 के रिजल्ट्स के हिसाब से। कैटरिंग में अगर आप देखेंगे तो 394 करोड़ का रिवेन्यू है, हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद इंटरनेट टिकटिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, जो इसका इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस है वो 84.3% के आसपास एबिट है, हाईएस्ट एबिट कंट्रीब्यूटर बिजनेस है। अगर आप देखेंगे तो 300 करोड़ के रिवेन्यू पे 253 करोड़ का एबिट ये कंपनी यहां पर कर रही है। इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस की बात हो रही है, बाकी कैटरिंग हो गया, रेल नीर हो गया, टूरिज्म हो गया, स्टेट तीर्थ का बिजनेस हो गया, सबका एबिट 11-13% के आसपास है। 394 करोड़ पे 42 करोड़ का एबिट किया है, जो लगभग 11-11.5% के आसपास बैठता है। 122 करोड़ टूरिज्म का रिवेन्यू था जिसपे 11 करोड़ का एबिट आया है, तो वही आप 9-10% के आसपास आया। तो एबिट लेवल पे टिकटिंग का बिजनेस सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है और वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसकी वजह से स्टॉक को एक जो है प्रीमियम प्राइसिंग भी यहाँ पर मिल रही है। पर टिकटिंग के बिजनेस में कुछ बड़े कंसर्न्स हैं, क्यों आने वाले आगे मैं आपको यहाँ पर बताते हैं। अब आप देखिए, कोविड के समय पर जो सेकंड सेटिंग थी ट्रेन की, उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन हो रही थी, जो अब फिर से जो है जनरल कैटेगरी में चली गई है और वो बुकिंग अब जो है नहीं हो रही है। अब फ्रेंड्स, बात ग्रोथ की आती है, जो टिकटिंग बिजनेस है उसमें ग्रोथ कहाँ से आएगी। 80% के आसपास टिकट अभी ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, 80% से ऊपर। जी बिजनेस में ये न्यूज़ छपी थी, खुद रेलवे मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि 80% से ज़्यादा जो रिजर्व टिकट्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं और फर्दर डिजिटलाइजेशन पे कंपनी जो है फोकस कर रही है रेलवेज। फ्रेंड्स, ये 80 का 90, 95, 98% तक चला जाएगा, 17-18% टू बी वेरी प्रसाइज 20% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ है। सर, 100% तो कभी कुछ नहीं होता है, तो वो 2-4% ऑफलाइन रहेगा। तो यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एड्रेसेबल मार्केट है वो कम हो गई है। बट टिकटिंग के बिजनेस में, ऑनलाइन टिकटिंग जो रेलवे का है, उसमें एक बड़ा स्कोप है कि कन्वेंस फीस बढ़ाने का। अगर हम अभी भी इसको बाकी चीज़ों से कंपेयर करें, रेलवे जो प्रीमियम
एयरलाइन टिकट्स हैं प्रीमियम सेगमेंट में, तो वहाँ पर कन्वेंस फीस अभी भी काफ़ी कम है, तो वो स्कोप है। पर उसमें एक थ्रेट बहुत बड़ा है कि पहले रेलवे ने रेवेन्यू शेयरिंग मांग लिया था, तो यहाँ पर मार्केट को ये थ्रेट बहुत बड़ा है कि कल को ये रेवेन्यू की फीस बढ़ती है तो रेलवे जो है उसमें शेयरिंग ना कर ले, तो वो डायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो वो एक जो फियर है वो मार्केट में कहीं ना कहीं है। कैटरिंग के बिजनेस में बड़े स्कोप्स यहाँ पर बन रहे हैं, पर कैटरिंग क्योंकि वंदे भारत तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं जिसमें इनबिल्ट कैटरिंग है, जिनके ऑर्डर जिनके जो टेंडर्स हैं वो IRCTC के पास है। प्रीमियम ट्रेन्स जो है, जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अनडाउटेडली रेल नीड और कैटरिंग दोनों बिजनेस साथ में बढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसको आप जबरदस्त है। एक तो वो लो मार्जिन बिजनेस है और कहीं ना कहीं वहाँ थ्रेट ये है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं कि कई रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी, कुछ उसके बारे में कॉन कॉल में भी इस बार बात हुई है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यह थ्रेट है कि वहाँ प्राइवेट कैटरिंग ना आ जाए। तो वो दोनों ही सेगमेंट जो इनके ग्रोइंग सेगमेंट हैं, वहाँ पर एक तो इंटरनेट टिकटिंग के सेगमेंट में अब जो ग्रोथ है वो लिमिटेड बची है, और कैटरिंग के बिजनेस में भी प्राइवेटाइजेशन का थ्रेट है। इंटरनेट टिकटिंग में जहाँ ग्रोथ है, स्कोप है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये डर है कि रेलवे फिर से जो है रेवेन्यू शेयरिंग ना मांग ले। वैसे जिस तरह से कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल रेलवे ने चेंज किया और लगातार ये ऑफिस के थ्रू वहाँ से फंड जुटा रहे हैं, तो उस कंपनी को बड़ा बनाने का शायद उनका मोटिव है, तो वहाँ पर मुझे इतना चीज़ें नहीं लगती हैं। और उसको भी कैटरिंग के बिजनेस में भी जो है फिलहाल तो जो है सोल अथॉरिटी IRCTC ही है, तो वो चीज़ है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं थ्रेट यहाँ पर है। इसके अलावा रेलवे में फूड डिलीवरीज के भी कुछ स्टार्टअप टाइप जो है स्टार्ट हुए हैं, हालांकि उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली है, तो थोड़ा सा विजिबल ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। बाकी मैं बिजनेसेस की अगर फ्रेंड्स बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लीजिए टूरिज्म का जो बिजनेस है फ्रेगमेंटेड बिजनेस है, वैसे इसमें भी IRCTC का अच्छा खासा जो है रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है। स्टेट तीर्थ का तो क्या छोटा बिजनेस है, उसके बारे में क्या बात करें। तो टूरिज्म के बिजनेस से ग्रोथ आ सकती है, बट वो ऐसा कोई बड़ा हाई एबिट वाला हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है। तो ये IRCTC के साथ कुछ बड़े कंसर्न्स हैं डिटेल में जो मैंने जो है एनालाइज करे हैं। फ्रेंड्स 608 रुपये का CMP है, 48,000 की मार्केट करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अभी इसका जो कुछ समय पहले OFS आया था 1.5 महीना पहले, वहाँ से भी स्टॉक 670-680 रुपये के आसपास से भी 10-12% करेक्ट हो चुका है। कंपनी जो है इस हिसाब से जो ग्रोथ एंटिसिपेटेड है EPS में 14.5 रुपये के आसपास, FY24 में FY25 में ये कंपनी 15-16 रुपये के आसपास का जो है EPS क्लॉक कर सकती है। फ्रेंड्स वैसे तो मैं 40x इसको मान के चलूँ तो FY25 की अर्निंग्स पे अभी भी 35-36 के आसपास है। चलो थोड़ा सा हम इसको हाईर नोट पे प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं अगर, तो मेरे को 750-800 रुपये का प्राइस बैठता है अगले 2 साल में, बट वो भी मार्केट देखेगी आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ किस तरह से आती है। IRCTC मेरे को लगता है आज के डेट में एक बार्गेनिंग डील है, स्टॉक बढ़िया है 4-5 साल के हिसाब से, बट कुछ कंसर्न्स बड़े हैं जो उसको डिवैल्यूड कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा थ्रेट मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में Q&Q बेसिस पे कैटरिंग में और टूरिज्म के बिजनेस में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है तो स्टॉक में यहाँ से जो है थोड़ा मूव आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है अगर आपके पास IRCTC है तो आप लंबे टाइम रख के होल्ड करें, 5 साल के हिसाब से क्वांटिटी छोटी रखें, बड़ी क्वांटिटी ना रखें। दूसरी चीज़ ये एक बार्गेन डील है, यानी कि नीचे के लेवल पर आपको यहाँ से भी खरीदारी के मौके मिलेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स यहाँ से भी सब्सटैंशियल करेक्शन 15-20% की IRCTC में आ सकती है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको नीचे के लेवल पर एंट्री के मौके देगा, तो वहाँ आप खरीदारी के मौके IRCTC में ढूंढें। ओवरऑल स्टोरी बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया है, अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है। कुछ कंसर्न्स हैं हालांकि जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में हाईलाइट करे हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।